देखो ये गाड़ी भी फंसी हुई है यहाँ पे, और अंदर भी ग्राउंड में गाड़ियाँ 10-15 फंसी हुई है, तो इसी वजह से हमने गाड़ियाँ यहाँ पे रखी है। तो अल्लाह का शुक्रिया गाड़ी पहुँच गई है अभी घर। यावर भाई आया है अभी अभी, देखिए गाड़ी की हालत क्या हो गई है, या अल्लाह रहम। तो अभी भी सोच रहा था गाड़ी चढ़ाएंगे उधर वॉशिंग सर्विस करने के लिए, और यहाँ पे जो है ये भाई मिलने आया है। क्या नाम है भाई? हाँ, उमर। और क्या नाम है भाई? ओएस। ओएस भाई आया है, और आपका? सबजार। सबजार भाई डेजपोरा से आया है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं आपका अपना भाई के मारिश पाक। अगर आप लोग मेरी चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जैसे कि आप लोगों को पता है हम कोयला लेके आ रहे थे, तो रात को यहाँ पे पहुँच गए जो है हम पांपड़ में। यहाँ पे जो है ना गाड़ियाँ लगभग 10-15 गाड़ियाँ आ गई, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जब तक बारिश रुकेगी नहीं, ये सूखेगा नहीं ये ग्राउंड, तब तक गाड़ियाँ खाली नहीं हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा पूरा यहाँ कैसा सीन है। तो हम भी घर जा रहे हैं, मैं और माजिद भाई। चलिए करते हैं इस प्यारे से व्लॉग को आज यहीं से स्टार्ट। कुल बाईपास पुल के नीचे ये देखो, ये है अपना बादशाह और यहाँ पे माजिद भाई की गाड़ी। यहाँ पे हमें खाली करना है, यहाँ पे ग्राउंड जो है ना पूरा का पूरा मिट्टी से भरा हुआ है। देखिए यहाँ पे लगभग 10-15 गाड़ी है, साइड में 3 गाड़ी है, अंदर देखो कितनी गाड़ियाँ हैं। और ये कह रहे हैं जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक खाली नहीं होगा। अब पता नहीं 2-3 दिन के बाद बारिश रुकेगी, फिर उसके बाद खाली होगा। तो अभी हम घर जा रहे हैं मैं और माजिद भाई, देखते हैं गाड़ी फिर कितने दिन के बाद वापस आएगी घर। तो फिलहाल हम जा रहे हैं घर, क्योंकि इन लोगों ने बोला है यहाँ पे खाली नहीं हो जाएगी, गाड़ी फंस जाती है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मिट्टी है। ये देखो ये गाड़ी भी फंसी हुई है यहाँ पर, और अंदर भी ग्राउंड में गाड़ियाँ 10-15 फंसी हुई है, तो इसी वजह से हमने गाड़ियाँ यहाँ पर रखी है, ताकि अगर बारिश वारिश ज़्यादा आ गई, बाढ़ आने का खतरा है, तो इधर गाड़ियाँ सेफ है। तो जा रहे हैं हम घर। तो देखो के नीचे गाड़ियाँ रखी है दोनों, ये अपने माजिद भाई की गाड़ी, वो है अपनी गाड़ी, और सेठी भाई को कल रात को ही बाय बाय किया, वो श्रीनगर गया है। अब पता नहीं कितने दिन के बाद खाली हो जाएगा। ओ उमर भाई, चलिए चलते हैं हम भाई, बैठो। और आपके हवाले पता नहीं कितने दिन के बाद खाली हो जाएगा। तो आप हम क्या करेंगे यार, आपने बोला कोयला भरो कोयला भरो यार, आप ही ने बोला। तो आपने गाड़ी बाय बाय बैठो, दोनों गाड़ियों को बाय बाय बैठो, अल्लाह के हवाले। अरे गाड़ी पहुंच गई है अभी घर, यावर भाई आया है अभी अभी, आप लोग देख सकते हो। देखिए गाड़ी की हालत क्या हो गई है, या अल्लाह रहम। पूरे के पूरे गाड़ी पे कोयले लगे हुए हैं, ये देखो। क्योंकि यार भाई अभी भी आए हैं, बारिश भी पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। लगभग 9-9:30 बजे यार भाई पहुंच गए यहाँ पे। उन्होंने बोला था हमको खाली नहीं हो जाएगा, 2-3 दिन के बाद खाली हो जाएगा, फिर उनको भेजा है खेव वहीं पे खाली की है गाड़ी। तो अभी भी यावर भाई आ गया, अब वो घर गए हैं। तो आप मिलेंगे सुबह, जाएंगे सुबह वॉशिंग करने के लिए गाड़ी की। सुबह सुबह करते हैं, गुड मॉर्निंग आप सबको, जा रहे हैं हम वॉशिंग करने के लिए गाड़ी की। आप लोग देखिए गाड़ी की हाल। और यावर भाई ये गाड़ी को क्या किया यार, आपने लाया वहाँ से गाड़ी, ये देखो। तो जा रहे हैं सर्विस करने के लिए। और यार गाड़ी की हालत ही ख़राब हुई है, टैंकी पे देखो यार कितने कोयले लगे हैं, ये देखो मरगाड़ों पे यार, अंदर भी होंगे कोयले सारे। तो जा रहे हैं वॉशिंग करने के लिए। हरीपुरा पाँपे पहुंच गए, यहाँ पे मैंने यावर भाई को भेजा है डीजल लाने के लिए बोतल में 1-2 लीटर, क्योंकि नीचे फिर फ्रेम को दे देंगे। और अंदर ये स्मार्ट चॉइस यहाँ पे कपड़े वपड़े में यहीं पर लेता हूँ इमरान भाई के पास से, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है यहाँ पर, और चॉइस भी बहुत अच्छी मिलती है। ये इसका दुकान, अगर कोई भी भाई यहाँ पे आएगा ना मेरा नाम लेना, आप लोगों को बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं अंदर से भी वीडियो उठाता है। जे इसका दुकान, यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। पहुँच गए हम सर्विस स्टेशन पे, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है ना अभी 2 गाड़ियाँ लगी है, छोटी और अपनी वो गाड़ी जो है ना वो वहाँ पर रखी है साइड में। तो ये 2 गाड़ी कंप्लीट होने के बाद फिर अपनी गाड़ी की वॉशिंग लग जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है उसमें कोयले बहुत ज़्यादा लगे हैं। हो गई है वो सारी गाड़ियाँ वहाँ पे, छोटी गाड़ियाँ कंप्लीट। तो अभी अपनी गाड़ी चलाएंगे सर्विस स्टेशन पे,
तो अपनी गाड़ी की वॉशिंग करेंगे स्टार्ट, क्योंकि लगभग लगभग आज 2-3 घंटे लग जाएंगे वॉशिंग में। बहुत ज़्यादा कोयले चढ़े हैं, धूल भी चढ़ी है बहुत ज़्यादा, और मिट्टी भी लगी है गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा। तो ये आप लोग देख सकते हो, हमने कवर जो है ना वो घर पे रखे है, कालीन जो है था वो शीट वो भी घर पे रखा, सारा सामान घर पे रखा। अभी सीटें उतारेंगे और अंदर से भी गाड़ी को आज वॉशिंग करेंगे। बस गाड़ी स्टार्ट किया है तो आप चढ़ाएंगे सबस्टेशन पे गाड़ी और करेंगे वॉशिंग स्टार्ट अपनी गाड़ी। तो अभी भी सोच रहा था गाड़ी चढ़ाएंगे उधर वॉशिंग सर्विस करने के लिए, और यहाँ पे जो है ये भाई मिलने आया है। क्या नाम है भाई? उमर भाई आया है, ये कश्मीरी वॉइस 01 चला रहा है चैनल। और क्या नाम है भाई? ओएस भाई आया है। और आपका? सबजार भाई, डेजपोरा से आया है। यहाँ इनको गाड़ी पे नजर पड़ी, यहाँ मैं वॉशिंग कर रहा था तो इनको गाड़ी पे यहाँ पे नजर पड़ी और रुक गए यहाँ पे। तो चलो यार, थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। चलो थैंक यू यार दिल से, चलो लव यू। अपनी गाड़ी की वॉशिंग, पीछे बहुत ज्यादा कोयले लगे हुए हैं। ये अपनी गाड़ी की वॉशिंग तकरीबन आधी वॉशिंग जो है ना कंप्लीट हो गई है। सड़ की वॉशिंग जो है, पानी इसने दे दिया, बस इसको कपड़ा मारना है, बाकी पानी आगे देना है और कपड़ा भी मारना है। साइड में अब खाली कपड़ा मारना है और पीछे भी कपड़ा मारना है। अभी तो नीचे चल रही है वॉशिंग, फिर बहुत ज़्यादा कोयले लगे थे, मेरे को डर लगा था वॉशिंग वाला मानना चाहिए वॉशिंग करने के लिए। तो अब आर्य भाई ने बोला है कोई बात नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं। अब आपको दिखाएंगे फिर पूरे वॉशिंग कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाएंगे कैसे गाड़ी पहले कैसी थी तो अभी कैसे बनी है। तो भाई पीछे से वॉशिंग कंप्लीट, अभी आगे जो है ना फ्रंट को और टोल को करने हैं, क्योंकि टोल में जो है ना बहुत ज़्यादा कोयले हो गए थे। अभी टोल को पानी दे रहा है आरिफ भाई और यावर भाई, आगे इशफाक भाई जो है कपड़ा मार रहा है। आज पूरी की पूरी वॉशिंग करनी पड़ेगी। देखो कोयले कहाँ से गिर रहे हैं, ये देखो इधर से भी कोयले गए थे अंदर टोल में पहुँच जाए, क्योंकि वहाँ से जो है ना मशीन से भरते हैं ये कोयला, इसी वजह से जो है टोल में भी गई है। क्या करें यार, गई अपनी गाड़ी की वॉशिंग कंप्लीट भी, और भाई जो है ना कपड़ा मार रहा है सुखाने के लिए। मैं वो सीटें ला रहा हूँ क्योंकि आज सब कुछ धो लिया, सीटें वीटें सब कुछ, आज बहुत ज़्यादा थक गए बहुत ही ज़्यादा। अभी और भाई कपड़ा मार रहा है तो मैंने ये सीटें जो है ना ये भी धो लिए है। ये देखो सीटें किस तरीके से पूरे धोए यावर भाई, इधर बोल रहा था ये ख़राब हो गई, ये देखो कितने साफ है, ये देखो। तो ये भी धो लिए, अब इसका कवर जो मैंने है वो घर में रखे है धोने के लिए। ये देखो गाड़ी कैसी थी पहले, तो अभी देखो गाड़ी कैसी है। ये देखो गाड़ी ने अब अलग लुक दे दिया है, आप लोगों को पता है गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब थी बहुत ही ज़्यादा। तो अभी बस सीटें लाएँगे वहाँ से तो फिर निकलेंगे हम। देखो माजिद भाई हम भी हमारे साथ आया था, देखो अभी का लोग गाड़ी का पीछे का, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, बस अब धो के पूरा साफ। वॉशिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम निकलेंगे घर। ये देखो सीटें वेटे सब कुछ साफ किया है, तो करते हैं बाय बाय इशफाक भाई। बाय, जा रहे हैं घर अभी। ये गाड़ी इतनी ज़्यादा गंदी थी, आज जिंदगी में पहली बार इतनी ज़्यादा गंदी गाड़ी थी, क्या करें। चंडा किस तरीके से लह रहा है और सीटी वीटी देखो कितने ज़्यादा साफ हो गए हैं। तो बस मिलेंगे आप तैयारीपुरा में, फिलहाल चलेंगे। पहुँच गए हम बिल्कुल घर के पास, तो अभी जो है ना यावर भाई जो है गाड़ी को सुखा रहा है और मैं पॉलिश मार रहा हूँ। ये देखो ये स्टील वाली पॉलिश जो है ना, पूरी के पूरी स्टील में आज पॉलिश लगाएंगे, गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी के पास। ये देखो यावर भाई सुखा रहा है शीशे वीशे, ये है अपना घर यहाँ पे। ये देखो बस यावर भाई शीशे वीशे सुखाएगा, मैं तब तक इसको पॉलिश मारूँगा। ये देखो, ये देखो ये कपड़ा कितना काला हो गया है, इसको पूरे स्टील को जो है ना ये पॉलिश मारनी है। ये वाली पॉलिश बहुत ही बेस्ट पॉलिश है, बहुत ज़्यादा अच्छी। ये देखो ये पॉलिश जो है ना स्टील के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा। हमारा सारा काम कंप्लीट, हमने जो है ना पॉलिश वालिश सब कुछ और कपड़ा भी मारा है, पॉलिश भी दे दी है सारी गाड़ी में। ये देखो साइड में भी आगे भी,
ये देखो अभी का लुक गाड़ी का कितना खूबसूरत है। तो बस यही था हमारा काम आज दिन पूरा, सुबह 9 बजे से अभी तक यही काम कर रहे थे। अब जो है ना मुझे भी बहुत ज़्यादा सर्दी लगी, अब मैंने फेरन पहना है। तो बस आज दिन हमने पूरा का पूरा दिन यही काम किया है, गाड़ी को वॉशिंग किया, पॉलिश किया। तो बस इस प्यारे से व्लॉग को भी आप यही पे एंड करेंगे। अगर किसी भी रीज़न से मेरा व्लॉग वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करके जाना। बाकी लव यू फैमिली, खुदा हाफिज़।